नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं शीतला माई की महाकाली के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय महाकाली। ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, माता रानी के संपूर्ण दर्शन आपको कराएंगे। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं शीतला माई। ये देखिए, यह शीतला माई मंदिर है और यह है माता रानी का पंडाल, महाकाली जी का पंडाल। आपको अच्छे से दर्शन करवाएंगे, वीडियो स्किप मत करिएगा, ब्लॉग में अंत तक रहिएगा और अच्छे से माता रानी के दर्शन करिएगा और आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। जय श्री महाकाली। दोस्तों, दर्शन करिए माता रानी के, शीतला माई की महाकाली हैं। आराम से दर्शन करिए और आपके मन में जो भी इच्छा है, मनोकामना है, माता रानी के सामने बोल दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, आपकी सभी परेशानियां, आपके सारे कष्ट माता रानी हरेगी। इस तरफ देखिए दोस्तों, श्री हनुमान जी महाराज हैं, ये देखिए, और दूसरी तरफ कौन हो सकते हैं आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। चलिए आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ कौन है। ये देखिए, काल भैरव महाराज, माता रानी जी के सेवक हैं काल भैरव महाराज, हनुमान जी। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर पंडाल सजाया है, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। रात में लाइट्स जलेंगी तो उसका अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सुंदर डेकोरेशन है और ये माता महारानी महाकाली जी बैठी हैं यहाँ पर। ये देखिए, माता रानी का भी बहुत सुंदर श्रृंगार है। ये देखिए, माता रानी के हाथ में जो राक्षस है वो भी कैसा दिख रहा है, भयानक, बहुत सुंदर है। माता रानी की जो प्रतिमा, उसकी जो फिनिशिंग है, बहुत सुंदर की गई है, ये देखिए। और ये देखिए माता रानी का हाथ, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल हाथ है, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे हाथ रहते हैं वैसे दिख रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल। बहुत सुंदर फिनिशिंग की गई है माता रानी की मूर्ति की। और भगवान भोलेनाथ जी का चेहरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब सही में भगवान भोलेनाथ जी वहाँ लेटे हैं और देख रहे हैं। इस तरफ से आधा चेहरा दिख रहा है, दूसरी तरफ से जाकर देखना पड़ेगा तब भोलेनाथ जी का पूरा चेहरा दिखेगा। हालांकि ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। जब आप यहाँ आएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे तब आपको लगेगा कि बहुत सुंदर ही प्रतिमा है। और यहाँ पर देखिए श्री हनुमान जी महाराज को बहुत सुंदर बनाया गया है, ये देखिए। और हनुमान जी महाराज की मुकुट वाली प्रतिमा बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये देखिए। और जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है, देखिए कितना सुंदर पहनाया गया है। और यहाँ पर काल भैरव महाराज जी को भी बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए हैं, ये देखिए, बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की गई है, बहुत सुंदर लग रहे हैं काल भैरव महाराज भी। जय श्री काल भैरव। और ये माता रानी हैं, और माता रानी तो एक तरफा बिल्कुल हट के दिख रही हैं। और ये देखिए माता रानी की केश बाल कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। ये देखिए बहुत सुंदर केश है, अगर आप केश पर ध्यान दें तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, ओरिजिनल। जय माता रानी, जय महाकाली, जय अंबे मैया। ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी का चेहरा, इस तरफ से पूरा चेहरा दिख रहा है। और ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ सच में देख रहे हैं। जय श्री महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, हम शीतला माई माता के पास हैं। तो ये देखिए शीतला माई की महाकाली, दर्शन करिए आप। जय महाकाली, जय महाकाली।
दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की माता रानी को आपको अच्छे से अच्छे दर्शन करा सकूं, इसलिए दिन में आए, रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रात में आपको दर्शन अच्छे से नहीं करा पाते, लेकिन अभी आए हैं और दर्शन करवाए हैं माता रानी के। ये देखिए दोस्तों, अब माता रानी से विदा लेते हैं और इस तरफ है माँ शीतला भवानी माई का मंदिर। अभी मंदिर बंद है, नहीं तो आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी के अंदर चल के। जय महाकाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। जय माता रानी। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।